इकट्ठा हुए हैं। गांव से मुख्य सड़क जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है हम लोगों का। जितने भी अधिकारी हैं डीएम से लेकर सीओ तक हम लोग आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ। और जितने राजनेता हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, सबसे हम लोग अपनी समस्या सुनाए। सब लोग बोले कि जीतने के बाद हम एकदम रोड बनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अंततः हम लोग निराश होकर वोट बहिष्कार का निर्णय लिए हैं। कितने की आबादी है और किस पंचायत में? 2000 की आबादी है, 850 वोटर्स हैं यहाँ पर। आपका परिचय? अनिल कुमार प्रधान। सहियार पंचायत में आती है ये? मोटरसाइकिल चल जाइयो जब हाँ चल जाइयो हाँ मोटरसाइकिल चला हो गई बात यहाँ से तो पानी है सब बोलिए। किस विधानसभा में? ब्रह्मपुर विधानसभा में है। किस पंचायत? ये सिमरी पंचायत सहियार है। क्या स्थिति है अभी? तो मॉक पोल करा के हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तो एक भी वोट नहीं पड़ा है। दिन के 12 बजे यहाँ 1 बजने को जा रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि हम लोग वोट का बहिष्कार किए हैं। अब किस कारण की हम लोगों को तो पता नहीं है। हम लोग तो एक कर्मी हैं, चुनाव कराने के लिए गांव में आए हुए हैं। कितने वोटर हैं? 919 वोटर हैं। अब तक एक भी पोल नहीं? एक भी पोल अभी तक नहीं हुआ है। आपका परिचय? मेरा नाम रेवती रंजन पांडे हुआ, मैं पोलिंग ऑफिसर बन हूँ। बहुत बहुत आज़ाद भारत में लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र की बात की जाती है। देश विकास की तरफ है, प्रधानमंत्री की सड़क योजना, मुख्यमंत्री की सड़क योजना, ग्रामीण योजनाएं, जिले का योजना, पंचायती राज का योजना, क्या मानते हैं आपके पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में किसी भी मुख्य मार्ग से जितनी योजनाएं रोड से लेकर के आई हुई है, नाली से आई हुई है, सब इस सबसे मतलब कि वंचित रहा है। कारण क्या मानते हैं? कारण हम प्रशासनिक अधिकारियों का और हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हुए, मुखिया हुए, इनकी अपना है। एक लोकतंत्र में नागरिक को अपना अधिकार है, क्या आपको अधिकार से वंचित रखा गया क्या? अभी फिलहाल तो हम लोग वंचित हैं। इसके लिए आपने अब तक गुहार कहाँ लगाई थी? गुहार अपने जैसे कि हम लोग अपने प्रखंड में भी, डीएम के पास भी, हर जगह मतलब जो हमारे क्षेत्रीय पर विधायक हैं वहाँ तक भी सब जगह अपना हम लोग लगा चुके हैं। प्रपोजल दे दिया गया। प्रपोजल दे चुके हैं। बहुमूल्य वोट का अधिकार होता है और इस अधिकार से अगर आप लोग आक्रोश व्यक्त करते हुए आज वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इसको क्या मानते हैं आप? स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है? ये स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी, लेकिन हम लोग इतना मतलब कि दुखी हो चुके हुए हैं कि जो कि अब हम लोग के पास कोई पावर नहीं है कि हम लोग जा कर के मतलब प्रशासन के सामने धरना दें। ये हमारा जो गांव है, यहाँ डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं, तो इसलिए कोई इतना टाइम भी नहीं दे पा रहा है, जिसके वजह से प्रशासन मतलब छोटा गांव है, अगल बगल से भी बड़े गांव हैं, तो इनकी कोई मतलब कोई विकल्प नहीं है कि जो हमारा जो अधिकार है हम वैसे प्रत्याशी को देंगे कि जो हमारे गांव के विकास के बारे में सोचे। ये परिकल्पना है कि वैसे प्रत्याशी को देंगे, लेकिन वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, वोट का बहिष्कार इसलिए हम कर रहे हैं कि अभी हम फिलहाल किसी को नहीं देंगे। इससे ज़्यादा हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम जाके किसी से लड़ाई कर लें, किसी से कुछ कर लें। आपका परिचय? सत्येंद्र कुमार सिंह। किस गांव का? नारायणपुर। बहुत बहुत यही गांव में तो जियो से हम यही गांव से नो यही गांव के मौजा में हमर मोहन मिल की राजेश भाई आवाज बुलंद करी हो कहां ने बोलिए हम दूसरा गांव में थोड़ा ही लगे बस यहां में रोजी रोटी हमर नारायणपुर में बा नारायणपुर में मौजा हजार हमर मिल देखो तरह कटहरवा नारायणपुर में आवेला कटहरवा कटहर हमनी के वोट परिवर्तन बोला वोट नहीं तो वोट नहीं।